हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम राइड्स। मैं हूं लवप्रीत। तो आज हम बात करेंगे, जैसे कि अब 2024 हो गया है तो सबको पहले हैप्पी न्यू ईयर। तो आज हम बात करेंगे कि रॉयल एनफील्ड के किस किस बाइक के प्राइस जो हैं वो इंक्रीज़ हो चुके हैं, किस बाइक के प्राइस अभी वो ही सेम है, अगर इंक्रीज़ हुए तो कितने इंक्रीज़ हुए, वो आज सारी आज इस ब्लॉग में चेक करने वाले हैं। तो मेरे साथ जुड़ रहिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि 2024 आ गया है तो कुछ मॉडल्स के प्राइस बढ़ भी गए हैं, किसी का वहीं स्टिल सेम ही है। तो सारे मॉडल्स का प्राइस बताऊंगा मैं आपको। तो स्टार्टिंग हम करते हैं बुलेट के मॉडल से। बुलेट का हम फर्स्ट सीरीज ले लें तो मिलिट्री ब्लैक जो है, आपको उसका जो ऑन रोड प्राइस है आपको 2,02,000 के तकरीबन, मैं आपको पंजाब के प्राइस बताऊंगा, 2,02,000 का ऑन रोड प्राइस पड़ेगा आपको मिलिट्री ब्लैक। और कैंटीन में बात करें तो कैंटीन में आपको 1,78,000 का ये पड़ने वाला है। उसके बाद हम स्टैंडर्ड वेरिएंट में जाते हैं जिसमें दो कलर आते हैं, स्टैंडर्ड मैरून, स्टैंडर्ड ब्लैक। उसमें आपको स्टैंडर्ड का आपको प्राइस पड़ेगा 2,28,500 ऑन रोड पड़ने वाला है। तो दोस्तों वहीं पर आपको 2,03,000 तकरीबन ऑन रोड कैंटीन में पड़ने वाला है आपको। अब ब्लैक गोल्ड की बात करें तो ब्लैक गोल्ड आपको 2,48,000 में पड़ने वाला है और कैंटीन में ये बाइक अभी अवेलेबल नहीं है। तो बुलेट सीरीज़ के जो प्राइस हैं वो सेम ही हैं, वो अभी राइज नहीं हुए हैं, आपको वही प्राइस पे अभी ये बाइक मिल जाएगी। अब बात करें नेक्स्ट मॉडल जो आता है, अब उसके बाद बात करें हंटर की, तो मेरे पास अभी हंटर्स के कलर नहीं है पर मैं आपको तीनों वेरिएंट्स के प्राइस बता दूंगा। हंटर में तीन वेरिएंट्स आते हैं दोस्त, जैसे कि फैक्ट्री आता है, फैक्ट्री में सिल्वर ब्लैक कलर मिल जाएगा, इसका भी प्राइस राइज नहीं हुआ है दोस्तों। ऑन रोड प्राइस जो है आपको फैक्ट्री सीरीज का ऑन रोड प्राइस 1,76,000 पड़ने वाला है, कैंटीन 1,56,000 पड़ेगा, मतलब 20,000 का डिफरेंस मिलने वाला है। अगर डैपर सीरीज की बात करें, डैपर ग्रे हो गया, डैपर वाइट हो गया, जस्ट डैपर वाइट सामने खड़ा ही है, तो उसकी ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 1,98,000 का आपको ऑन रोड ये बाइक पड़ेगा। और कैंटीन में बात करें तो कैंटीन में आपको 1,75,500 की पड़ने वाली है। अब इसके बाद एक हंटर का हमें टॉप वेरिएंट भी देखने को मिलता है जिसका नाम है रेबल। तो रेबल ब्लैक, रेबल ब्लू, रेबल रेड, वो आपको ऑन रोड 2,03,600 के पड़ने वाले हैं दोस्तों, कैंटीन में आपको 1,78,200 के अप्रॉक्सीमेट पड़ने वाली है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्लासिक सीरीज़ में। क्लासिक सीरीज़ में दोस्तों पांच वेरिएंट्स आ जाते हैं। रेडिश वेरिएंट मेरे पास अभी नहीं है, तो रेडिश वेरिएंट का अगर मैं आपको ऑन रोड प्राइस बताऊँ, रेडिश वेरिएंट का आपको ऑन रोड प्राइस जो है तकरीबन 2,23,800 का पड़ने वाला है। और कैंटीन में जो आपको ये ऑन रोड प्राइस पड़ेगा 1,96,000 कैंटीन में पड़ जाएगा। वेरिएंट आपको इसके हेल्सियन सीरीज मिल जाती है, हेल्सियन में आपको सिंगल डिस्क में भी मिल जाते हैं दोस्तों, डुअल चैनल एबीएस में भी मिल जाएगा आपको। सिंगल चैनल की जो हेल्सियन की प्राइस है वो आपको 2,27,000 के अप्रॉक्स पड़ेगा ऑन रोड प्राइस जो है, और कैंटीन में आपको 1,99,000 में पड़ने वाला है। वहीं पर हम बात करें ये डुअल चैनल जैसे मेरे पास खड़ा है, इसमें आपको ब्लैक और ग्रीन कलर मिलने वाला है, हेल्सियन ग्रे अभी बंद हो चुका है। तो इसका जो आपको ऑन रोड प्राइस है दोस्तों 2,33,700 का पड़ने वाला है तकरीबन ऑन रोड। तो और कैंटीन में जो आपको इसकी प्राइसिंग देखने को मिलेगी 2,05,560 की, इसको आपको कैंटी प्राइस देखने को मिलेगी। उसके बाद क्लासिक की सिग्नल सीरीज़ की बात करें तो सिग्नल सीरीज़ में आपको दो कलर मिल जाते हैं दोस्तों, सैंड हो जाता है और एक होता है मार्च ग्रे। इसका जो ऑन रोड प्राइस है आपको 2,46,750 पड़ने वाला है। और कैंटीन की बात करें तो कैंटीन में आपको 2,70,000 के अप्रॉक्स पड़ने वाला है। तो क्लासिक बाइक्स के भी प्राइस अभी सेम ही है पर मैं फिर भी आपको सारे मॉडल्स के प्राइस बताऊंगा। इसके बाद हम डार्क सीरीज़ की बात करते हैं। अब गन मेटल की बात करें, डार्क सीरीज़ की बात करें, जो जिसमें आपको ट्यूबलेस टायर अलॉय व्हील मिलते हैं, सबसे ज़्यादा बिकने वाली क्लासिक सीरीज़ की बाइक, उसकी बात करें, इसमें आपको एक स्टेल्थ ब्लैक कलर मिल जाए, एक गन मेटल ग्रे मिलेगा। तो इसका जो आपको ऑन रोड है 2,54,650 अप्रॉक्स पड़ेगा आपको। और वहीं पर हम कैंटीन रेट की बात करें तो कैंटीन रेट आपको तकरीबन 2,24,000 के अप्रॉक्स पड़ने वाली, तो तकरीबन आपको 30,000 का फ़ायदा आपको गन मेटल में मिलने वाला है। अब इसके बाद एक और मॉडल आ जाता है क्लासिक की, क्रोम सीरीज़ आ जाती है, तो उसके प्राइस के बारे में भी बात कर लें तो इसका जो आपको ऑन रोड प्राइस है 2,58,750 पड़ने वाला है। और बात करें अगर इसके कैंटीन प्राइस की तो कैंटीन प्राइस आपको 2,27,560 पड़ने वाली है। तो कुल हम टोटल बात करें अगर इसके हंटर के, बुलेट और क्लासिक, इनका प्राइस आपको सेम मिलने वाला है, इसका प्राइस राइज नहीं हुआ है। तो एक इसके बाद एक और बाइक रह गया जिसका मिटियोर, बाद मिटियोर मॉडल रह गया है, तो मिटियोर का भी मैं आपको बता देता हूँ। और कुछ अभी दोस्तों वीडियो देखना बंद मत करना क्योंकि जो लास्ट में दो मॉडल बताने वाला हूँ
तकरीबन 20,000 राइज हुआ है दोस्तों, वीडियो एंड तक देखना। तो इसके बाद हम मिटियोर सीरीज़ की बात कर लें। मिटियोर में मेरे पास अभी कलर्स नहीं है दोस्तों, क्योंकि ईयर एंड था, तो फिर भी मैं आपको प्राइस के बारे में बता देता हूँ। पर ये जो सामने कलर खड़ा है ब्राउन, ये बंद हो चुका है, ये डिसकॉन्टिन्यू कलर। आपको जो फायरबॉल का रेट है, प्राइस है, वो तक आपको ऑन रोड जो पड़ने वाला है 2,37,951 का, और कैंटीन में आपको 2,08,000 का पड़ने वाला है। वहीं पर हम बात करें अगर क्लास मिटियोर का, उसके बाद स्टेलर सीरीज़ का। स्टेलर सीरीज़ में आपको नेविगेशन मीटर भी मिल जाता है, काफ़ी अपग्रेड हुआ है स्टेलर मॉडल में। तो 2,48,000 का आपको ऑन रोड जो है स्टेलर मिलने वाला है। कैंटीन की बात करें तो 2,18,000 में मिल जाएगा। ऑरोरा मॉडल आपको कैंटीन में नहीं मिलता है, ऑरोरा मॉडल का आपको प्राइस जो है 2,53,000 में ऑन रोड मिलेगा। और सुपरनोवा मॉडल जो है, जिसमें अब आपको दो ही कलर मिलेंगे, ब्लू और रेड, उसका आपको ऑन रोड प्राइस जो है 2,64,000, और कैंटीन की बात करें तो 2,33,000 का आपको कैंटीन में पड़ने वाला है। अब इसके बाद स्क्रैम की बात करें तो दोस्तों, स्क्रैम का जो आपको ऑन रोड प्राइस है, जब मैं ग्रेफाइट ब्लू और रेड कलर हो गए, उसका आपको ऑन रोड प्राइस जो है 2,47,551 में पड़ने वाला है। कैंटीन में आपको 2,21,000 के अप्रोक्स पड़ेगा। बात करें ब्लेजिंग ब्लैक, स्काई लाइन ब्लू, तो उसका जो ऑन रोड प्राइस है आपको 2,49,500 पड़ने वाला है। ऑन रोड की प्राइस ये आपको मिल जाएगा, और कैंटीन में आपको 2,23,000 के अप्रोक्स पड़ने वाला है। स्क्रैम जो वाइट फ्लेम और सिल्वर स्पिरिट है, वो आपको जो ऑन रोड प्राइस है 2,53,551 में पड़ेगा, और कैंटीन प्राइस जो है आपको 2,26,960 का पड़ने वाला है तकरीबन। ये सब जो है तकरीबन आपके स्टेट में प्राइस थोड़ा डिफर कर सकता है आरटी की वजह से, क्योंकि आरटी की वजह हर जगह डिफर करता है प्राइस थोड़ा बहुत। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं हिमालयन 450 की। तो जैसे मैं कह रहा था कि प्राइस बढ़े हैं दोस्तों, बहुत थोड़े नहीं, बहुत बढ़े हैं। हिमालयन 450 की अब मैं प्राइस बताने वाला हूं दोस्तों। तो 450 का जो प्राइस है आपको तकरीबन 16,000 से 20,000 तक राइज हो चुके हैं। बात करें अगर काजा ब्राउन कलर की, तो दोस्तों सबसे जो स्टार्टिंग प्राइस से शुरू होता है हिमालयन का, वो आगे आपको 3,16,000 का ऑन रोड पड़ रहा था पंजाब में, अब आपको तकरीबन 3,34,000 का ऑन रोड पड़ने वाला है, तकरीबन 18,000। शोरूम प्राइस जो है इसका 16,000 इंक्रीज़ हुआ है, राइज हुआ है, और ऑन रोड आपको 2,000 और बढ़ जाएंगे। तो इसके बाद बात करें अगर पॉफी ब्लू हिमालयन सॉल्ट, वो आपको 3,21,900 का पड़ रहा था, अब आपको 3,38,300 का पड़ने वाला है, और कैंटीन में ये आपको अभी अवेलेबल नहीं है। इसके बाद बात करें कैमेट वाइट की, तो कैमेट वाइट जो है आपको पहले जो पड़ रहा था आपको 3,27,000 का, तो अब आपको पड़ेगा वो 3,42,700 का, तक 15,000 इसका भी राइज हो चुका है दोस्तों। हानले ब्लैक की बात करें तो हानले ब्लैक में आपका प्राइस जो है, पहले आपको कैंटीन में ऑन रोड जो पड़ रहा था आपको 3,32,900 का पड़ रहा था, पर आपको अब जो ऑन रोड प्राइस है 3,48,000 का ऑन रोड जो है हिमालयन का हानले ब्लैक पड़ने वाला है। तो काफ़ी प्राइस रेज हुआ है, जैसे कि सबको लग ही रहा था, क्योंकि जैसे कि बताया गया था कि 31 दिसंबर तक ये पुराना प्राइस रहेगा, 1 जनवरी को फिर सबको पता लगा था रेट बढ़ेंगे, और हिमालयन के रेट जो बढ़े हैं दोस्तों 16,000 से 20,000 तक बढ़ चुके हैं। इसकी डिमांड भी बहुत है, बहुत ज़्यादा हाइप है इस बाइक की। अभी 2024 इमोटी का ऑफर मिल चुका है इंडियन मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर। अब इसके बाद हम 650 सेगमेंट की बात करें, तो उसमें भी एक मॉडल ऐसा है जिसका प्राइस रेज हुआ है दोस्तों। सुपर मिटियोर 650 जो है, उनके प्राइस रेज हो चुके हैं दोस्तों। अब सुपर मिटियोर का जो एस्ट्रल मॉडल था दोस्तों, उसका प्राइस जो पहले था ऑन रोड प्राइस 4,17,400 का था, पर अब आपको 4,20,700 के पड़ने वाला है। वहीं पर हम बात करें इंटरस्टेलर, तो इंटरस्टेलर का आपको प्राइस आगे जो था 4,34,000, अब 4,37,700 में पड़ेगा। और सेलेस्टियल मॉडल का प्राइस आपको 450 पड़ रहा था, पर आपको अब 454 पड़ने वाला है। तो तकरीबन हर एक बाइक का, सुपर मिटियोर का आपको 3,000 का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो 3,000 प्राइस आपको सुपर मिटियोर में राइज हो चुका है। बात करें वहीं पर कॉन्टीनेंटल और इंटरसेप्टर, तो दोस्तों इंटरसेप्टर और कॉन्टीनेंटल के प्राइस अभी सेम ही हैं, फिर भी आपको एक बता देता हूँ। इंटरसेप्टर का जो आपको ऑन रोड प्राइस दोस्तों, जैसे कलर हो गया कैली ग्रीन, कैन्यून रेड, तो उसका आपको 3,53,000 ऑन रोड पड़ने वाला है। वहीं पर हम सनस्टेप ब्लैक और ब्लैक पर्ल की बात करें तो 3,62,000 का ऑन रोड मिल जाएगा। इंटरसेप्टर ब्लैक रे जो है 3,73,000 का पड़ने वाला है आपको ऑन रोड। इंटरसेप्टर मार्क क्रोम जो हो गया है 3,00,000,
84,000 का आपको मार्क क्रोम मिलने वाला है मॉडल। ये आपको कैंटीन में भी मिल जाएगा 341,000 में। अब कॉन्टिनेंटल की बात करें तो कॉन्टिनेंटल आपको सेम प्राइस में ही अभी भी सेम प्राइस में मिलेगा आपको 371,000 में। रॉकर रेड बीआर ग्रीन मिला है आपको, और 382,000 ऑन रोड में आपको डच डिलक्स मॉडल मिल जाएगा दोस्तों, और 393,000 में आपको स्लिप स्ट्रीम ब्लू और एपेक्स ग्रे मिलने वाला है, जिसमें आपको लॉय व्हील भी मिल जाते हैं। और जो मिस्टर क्लीन क्रोम है आपको 399,901 में ऑन रोड मिलेगा आपको। ये कैंटीन में भी मिल जाएगा दोस्तों 354,000। जो इसका डक्स डीला सॉरी दोस्तों जो एपेक्स ग्रे और स्लिप स्ट्रीम ब्लू है मॉडल है वो आपको कैंटीन में नहीं मिलता है। वहीं पर जो इंटरसेप्टर का ब्लैक रे और बार्सिलोना ब्लू कलर है जो अलॉय में मिलता है वो भी आपको कैंटीन में नहीं मिलेगा, उनका कैंटीन का प्राइस नहीं है। तो ये सारे मॉडल्स हैं जिनके प्राइस का मैं बताना चाहता था आपको। जैसे कि मैंने कहा कि आपको हिमालयन और सुपर मीटर सिर्फ इनके प्राइस राइज हुए हैं 2024 में, बाकी किसी मॉडल के प्राइस राइज नहीं हुए हैं। हिमालयन के प्राइस काफ़ी राइज हुए हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो एंड में आप जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जो करना, वीडियो को लाइक जो करना, और भी ऐसी ही वीडियो मैं लाता रहूँगा आपके लिए। और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, और सब सब्सक्राइब जो करना चैनल को लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो ओके थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो हैप्पी न्यू ईयर्स, होप है आपका ये साल बहुत अच्छा जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस ईयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके थैंक्स, बाय बाय।